हरिओम, मैं अपर्णा अनिल खांडेकर, मैं स्कूल में टीचर हूँ। मैं सन 2000 से बापू परिवार में हूँ। जब से मैं बापू परिवार में आई हूँ, तब से लेकर आज तक बहुत सारे अनुभव मैंने लिए। उनमें से एक अनुभव मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। परम पूज्य बापू नंदाई और सुचित दादा को प्रणाम करके मैं मेरा अनुभव कथन करती हूँ। मार्च 2012 में मेरे पेट में अचानक सा दर्द होने लगा। मैं मेरे फैमिली डॉक्टर के पास गई और दवाई ली, लेकिन दर्द कुछ कम नहीं हो रहा था। मैंने बहुत बार दवाई ली, फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। मैं इसमें डेढ़ दो महीना बीत गया। 16 मई 2012 में मैं क्लिनिक में परम पूज्य डॉक्टर सुचित दादा के पास आई। दादा ने मुझे दवाई दी और सारे रिपोर्ट्स करने के लिए कहा और डॉक्टर राजश्री वीरा शाह के क्लिनिक में जाने के लिए कह दिया। मैंने दूसरे ही दिन शाम को 7 बजे डॉक्टर राजश्री वीरा शाह के वडाला क्लिनिक में पहुंच गई। डॉक्टर राजश्री वीरा ने मेरा चेकअप किया और अचानक से ही बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लडिंग होना शुरू हुआ। दादा के कहने पर डॉक्टर राजश्री वीरा ने मुझे उस रात एडमिट ही कर लिया और दूसरे दिन सुबह हिंदुजा हॉस्पिटल में डॉक्टर हेमंत सिंह टोनगांवकर के पास जाने के लिए कहा। मैंने दूसरे ही दिन सुबह डॉक्टर हेमंत सिंह टोनगांवकर के पास हिंदुजा पहुंची। डॉक्टर हेमंत सिंह ने मेरा चेकअप किया और बायोप्सी करने के लिए कहा। मैंने बायोप्सी की, बायोप्सी रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। उसके बाद सीटी स्कैन करने के लिए कहा, सीटी स्कैन रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया था। मुझे कैंसर हुआ था। कैंसर शब्द सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे बहुत डर लगा था। ऐसे लगा था कि अब सारा खेल खत्म हो गया। लेकिन उस वक्त दादा ने मुझे जो दवाई दी थी, उसका मुझे बहुत सहारा मिला। मुझे लगा कि दादा ने मुझे ये दवाई नहीं, बल्कि दवाई के रूप में प्रसाद ही दिया है। और जो प्रसाद ग्रहण करते ही मुझे इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी। बायोप्सी रिपोर्ट्स और सीटी स्कैन रिपोर्ट लेकर मैं हिंदुजा हॉस्पिटल डॉक्टर हेमंत सिंह टोनगांवकर के पास गई। डॉक्टर हेमंत सिंह ने बताया कि आपको केमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगर ऑपरेशन किया तो कैंसर ऐसे जगह पर था कि किडनी को तकलीफ हो सकती थी। इसके लिए ऑपरेशन के बजाय केमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट लेने की सलाह डॉक्टर हेमंत सिंह ने दी। मैंने केमोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए हिंदुजा हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन अलमेल की अपॉइंटमेंट ले ली। डॉक्टर सचिन अलमेल ने 7 जून 2012 ये पहले केमो की तारीख दी। 3 महीने में 3 केमो हुए। तीसरे केमो के बाद डॉक्टर सचिन अलमेल ने सीटी स्कैन करने के लिए कहा। मैंने सीटी स्कैन रिपोर्ट लेके डॉक्टर सचिन अलमेल के पास पहुँची। रिपोर्ट देखते ही खुद डॉक्टर ही हैरान हो गए। उसमें कैंसर दिखता ही नहीं था। लेकिन मैंने समझ लिया, ये मेरे बापू का अकारण कारुण्य था। जहाँ 5-6 केमो लेना आवश्यक था, वहाँ 3 केमो में ही काम हुआ था। डॉक्टर सचिन अलमेल ने कहा कि आगे की केमो ट्रीटमेंट लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए आपको रेडिएशन ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। उन्होंने मुझे रेडिएशन विभाग में भेज दिया। मैंने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी कनन की अपॉइंटमेंट ले ली। डॉक्टर कनन ने मुझे चेकअप किया, मेरे सारे रिपोर्ट्स देखे
और 30 रेडिएशन बाहर से और इंटरनल 4 रेडिएशन लेना चाहिए, ऐसे बताया। डॉक्टर कनन हफ्ते में एक ही दिन सिर्फ मंडे को ही हॉस्पिटल में आते हैं और बाकी सारे दिन उनके सारे पेशेंट डॉक्टर रंजित बाजपेयी देखते हैं। 22 अगस्त 2012 से डॉक्टर रंजित बाजपेयी ने मेरी रेडिएशन ट्रीटमेंट शुरू की। ये ट्रीटमेंट हर दिन 30 दिन रोज लेनी थी और हर रोज मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा था, इसलिए मैंने स्कूल में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन की। मुझे 6 महीने की छुट्टी सैंक्शन हुई। 13 अगस्त 2012 से मैं 6 महीने के लिए घर में बैठी। कभी एक दिन भी मैं घर में खाली बैठी नहीं थी, ऐसे में मुझे 6 महीने के लिए घर में बैठना था, आराम करना था। तीसरे केमो के बाद मेरे सब बाल झड़ गए, पूरा टक्कल पड़ा था। ऐसे स्थिति में घर से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बीमारी के कारण ऐसे ही घर में आराम करते हुए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोच लिया, घर बैठे बैठे अपने से जो कुछ हो जाएगा वो घर में करते रहेंगे। त्रिपुरारी पूर्णिमा, बापू का बर्थडे नज़दीक आया था। मैंने निश्चय किया, बापू के बर्थडे के दिन एक स्वेटर और अंजना माता वही लिखकर बापू को अर्पण करेंगे। मैंने मेरे बेटी से कहकर ऊल मंगवाई और स्वेटर बुनना शुरू किया। 30 दिन रेडिएशन लेना था, उस 30 दिनों में मैंने अंजना माता वही लिखकर पूरी की। हर रोज उपासना करना, राम नाम वही लिखना, स्वेटर बुनना, चरखा चलाना, गांडुल खत, कंप्यूटर सीखना, हारमोनियम पर प्रैक्टिस करना, किताबें पढ़ना, ऐसे छंद मैंने खुद को लगा लिए। इसका परिणाम जो होना था वही हुआ। मेरा वक्त बहुत अच्छी तरह से बीत गया। मैं बीमार हूँ ऐसा कभी मुझे लगा ही नहीं, और घर बैठे बैठे ही सेवा करने का आनंद मुझे मिलता रहा। इतने बड़े बीमारी में कभी एक दिन भी बेड पर लेटी रही ऐसे कभी हुआ ही नहीं। मेरे रिलेटिव्स जो मुझे देखने आते थे वो कहते थे, तुझे किस हालत में देखना पड़ेगा ये सोचते सोचते हम आए थे, लेकिन तुझे उत्साही देखकर बहुत अच्छा लगा। रेडिएशन ट्रीटमेंट शुरू होते ही साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो गए। मुझे खाने को कुछ भी होता नहीं था, इसलिए बहुत कमजोरी महसूस होने लगी थी। ऐसे लगता था चलते चलते अब मैं गिर पड़ूंगी। उस वक्त मेरे घर वालों ने मुझे बहुत संभाला। मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा था लेकिन मेरा मन बहुत स्ट्रांग था। इसका कारण था उपासना, सेवा, भक्ति में से जो मनसामर्थ्य मिला था वो मनसामर्थ्य, अपने ईश्वर पर जो विश्वास था वो विश्वास, और बापू हमेशा मेरे साथ है ये एहसास। ये मनसामर्थ्य के आधार पर ही कितना भी कठिन प्रसंग क्यों ना आए उसे फाइट करने की ताकत हमेशा मिलती ही है। 30 रेडिएशन बाहर से होने के बाद इंटरनल रेडिएशन शुरू हुआ। इंटरनल रेडिएशन में प्रॉब्लम आया। डॉक्टर रंजित बाजपेयी ने कहा कि आपको 2 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा, आपकी रेडिएशन ट्रीटमेंट, आपकी इंटरनल ट्रीटमेंट इजीली नहीं हो सकती, इसलिए आपको 2 दिन में सुबह और शाम ऐसे रेडिएशन ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। मैंने 18 नवंबर 2012 में शाम को एडमिट हो गई। 19 और 20 नवंबर को मैंने ट्रांसपेरिनल इंटरस्टिशियल ब्रांची थेरेपी पूरी की। ये 2 दिन में मुझे बिल्कुल ही हिलना नहीं था, पूरे 2 दिन बेड पर लेटे रहना था, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे लग रहा था कि ये ट्रीटमेंट मुझे नहीं चाहिए। मैं बैठना चाहती थी, उठना चाहती थी, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकती थी, बिल्कुल हिल नहीं सकती थी। ऐसे स्थिति में
मैंने कुरुक्षेत्र मंत्र पठन शुरू किया। 108 कुरुक्षेत्र मंत्र होते ही मुझे अच्छा लगा। उस वक्त मुझे एक अलग सा एहसास हुआ, स्तोत्र पठन करने से अपने मन को कितना बड़ा सहारा मिलता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव मैंने उस दिन किया। ट्रीटमेंट पूरी होते ही डिस्चार्ज देते वक्त डॉक्टर रंजीत बाजपेयी ने कहा, आप घर जाते वक्त आपके पास जो हिम्मत है वो हिम्मत हम सब में बांट के जाना। और सिस्टर तावड़े ने कहा, कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट देते देते उनको समझाते समझाते हमारी आधी एनर्जी ख़त्म होती है, लेकिन आपकी बात ही कुछ अलग है, सचमुच आप बड़ी हिम्मत वाली है। उन्होंने कुछ भी कहा हो लेकिन मुझे ही मालूम था ये हिम्मत मेरे पास आई कहाँ से, ये हिम्मत देने वाला तो मेरा बापू ही है, उन्होंने ही दी है मुझे ये हिम्मत। आज मैं उनके चरणों के पास हूँ, यही मेरा परम भाग्य है। अगर आज मैं बापू परिवार में ना होती तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा क्या होता, मेरे परिवार का क्या होता। ये बात मन में आती ही तो मन कांप उठता है। जब डॉक्टर हेमंत सिंह टोनगांवकर ने बायोप्सी करने के लिए कहा, तब बायोप्सी करने के लिए 22,000 रुपये लाएंगे कहाँ से, ये मेरे आगे प्रश्न था। घर में नौकरी करने वाली मैं अकेली, मेरे मिस्टर उन्हें जॉब नहीं था, मेरे दो बच्चे कॉलेज भी, उनकी कॉलेज भी भरते भरते ही मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में ये बीमारी, और ये बीमारी के लिए 4-4.5 लाख रुपए 4-5 महीने में जमा करना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल ही था, लेकिन मुझे पूरी तरह से मालूम था अगर मेरे प्रारब्ध में ये बीमारी है तो इसमें से बाहर निकालने के लिए मेरा बापू मार्ग दिखाएगा 108%। और हुआ ही ऐसे, इस संकट में से दो मैं सही सलामत बाहर निकल पड़ी और मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सभी ने मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन मेरे कनवाड़ू बापू ने इसकी नौबत ही नहीं आने दी। कैंसर जैसी बीमारी होना और 6 महीने में ठीक होना, मुझे तो ये एक सपने जैसा ही लग रहा था। ये बीमारी में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कैसी भी तकलीफ मुझे हुई नहीं। मुझे कैंसर हुआ है ये मानने के लिए मेरा मन अब भी तैयार नहीं है। उसका एक ही कारण है, बापू ने दिया हुआ मन सामर्थ्य, हिम्मत, कैसा भी संकट हो उसे झेलने की ताकत। लेकिन ये सब पाने के लिए एकमात्र निश्चित एक विश्वास असा वापुरता, करता हरता सद्गुरु ऐसा। आज ये बीमारी से मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ। बापू ने ये जो बोनस आयुष्य मुझे दिया है वो भक्ति और सेवा में ही व्यतीत हो, यही सद्गुरु बापू चरणी प्रार्थना। हरिओम अम्बद्ने।